डकोर भी कुछ करे ज्ञान की टंकोर। एक बार सत्ता की वाणी है बाबा तो नहीं है भोगता, आगे एक बच्ची के तंग आता था कुछ चलाते थे तो घर भाग जाता था, गुलाब जल डाला गुलाब जल डाला और ये भागा। इसका क्या मतलब? अभोक्ता है कि भोक्ता है, तुम्हारे नजर में क्या है? हैं? फिर पूछना क्या चाहते? अब फंसे। कोई बात नहीं, पूछो, दिल खोल के पूछो। हैं? बोलो। हाँ, बच्ची माना शिव बाबा के लिए तो बुढ़ी माता में भी आएंगे तो भी बच्ची कहेंगे या चच्ची कहेंगे? बच्ची ही कहेंगे। और है शिव बाबा साक्षी हो जाता है। शिव माने जो साकार आत्मा है, साकार स्टेज को धारण करने वाली आत्मा है, राम वाली आत्मा, वो निराकार स्टेज नहीं पकड़ती है? हाँ, तो शिव समान नहीं हो जाती? बाप शिव आते हैं तो बच्चों को आप समान नंबरवार बनाते हैं या नहीं बनाते हैं? है? तो जो बच्चा आप समान बाप समान माना शिव समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बन जाता है, वो बाप का लकब विश्व कल्याणकारी का धारण करना चाहिए या नहीं? है? तो वो शिव बाबा हो गए। बाबा सती का प्रकार हो जाती है, आदमी लेके खत्म हो गए सती ही जाएंगे सती। हाँ, सीता से खुल जाती है जैसे आदमी खत्म हो गई तो उन्हें निकल के जल जाती है। हाँ हाँ, तो वो जानती है ना कि आत्मा तो अविनाशी है, शरीर विनाशी है, अगर उनमें पवित्रता का सत्य है तो अपनी पवित्रता की सच्चाई को सत्य को संभाल के रखेंगी या विदेशियों के हाथ में पड़ जाने देंगी? क्या करेंगी? है? मुसलमानों का आक्रमण हुआ, उसमें भारतीय राजाओं की हार होने लगी, मुसलमानों का राज्य होने लगा, अब वो रानियां जो पवित्र रहती थी राजाओं के साथ, कोई ने उनके शरीर को छुआ तक नहीं, तो अपनी पवित्रता को बनाए रखना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए? बनाए रखना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस शरीर को जो विनाशी है ही शरीर, उसको स्वाहा कर दिया अग्नि में पहले से ही, तो उन मुसलमानों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, तो अच्छी बात है ना, इसलिए उनको सती कहा जाता है। प्योरिटी ही सच्चाई है, प्योरिटी ही शक्ति है। हिंदी के वाले बोलते हैं बाबा ने कभी पहले बताया नहीं कि संक्रमण जी आएंगे, नहीं बताया। ढेर सारी अव्यक्तवाणियां हैं, तुम पढ़ो उनके अर्थ बताओ, ढेर सारी मुरलियों के महावाक्य हैं उनको पढ़ो और बताओ। बाबा ने तो कहा है कि ब्रह्मा है बैल, ब्रह्मा क्या है? बैल। बैल पर सवारी होती है क्या? होती है, है? हाँ, बैल पर शंकर की सवारी होती है। शिव कैसे बैठेगा? तो शिव शंकर में बैठता है और शंकर बैल पर बैठता है।
तो ये बताया नहीं। और फिर ये भी बताया शिव शंकर अलग अलग होते हैं कि एक होते हैं? शिव की आत्मा अलग, शंकर की आत्मा अलग। तो ये तो बताते हैं कि शिव शंकर आत्माएं अलग अलग हैं। फिर ये नहीं बताते कि भक्ति मार्ग में शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया गया? बताते हैं वो नहीं बताते, तुम बताते हो। शिव शंकर को मिला के एक इसलिए कर दिया गया कि शंकर ऐसी अनवरत याद में बैठता है कि शिव समान स्टेज को प्राप्त कर लेता है। निराकारी, निर्विकारी, निर्हंकारी स्टेज बना लेता है। ऐसी स्टेज न ब्रह्मा ने बनाई, न विष्णु ने बनाई, न 33 करोड़ देवताओं में से कोई ने बनाई। इसलिए शिव शंकर को मिला के एक कर देते हैं, शिव के साथ और कोई देवता को मिलाकर एक एक आकार नहीं करते। तो वो तो इन बातों को जानती ही नहीं और बताएंगे ही नहीं और मनन चिंतन मंथन करते ही नहीं। बाबा माता निकली है, भैया लोग नहीं निकले तो माता सेवा करने के लिए निकल नहीं पाते, बांधे लिया है तो कैसे? तो मनसा सेवा करे, अमृत वेले उठे है? सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? सबसे ज्यादा ताकत मन में है, मन की शक्ति में है या भागदौड़ की शक्ति में या वाचा में ज्यादा ताकत? तो मन की शक्ति तो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि सारी दुनिया में आवाज फैला देगी। अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने इतनी भाग दौड़ की, इतनी वाचा सेवा की, इतनी भाषण किए, इतने कॉन्फ्रेंस की, इतने मेले मलाफरे किए, दुनिया में आवाज फैल गई क्या? नहीं। आवाज तो फैली ही, ये आवाज कैसे फैलेगी? जब हमारी मनसा एकाग्र हो जाएगी तो माताओं को क्या करना चाहिए? है अमृत वेले बैठ करके मनसा सारा काम करे, मनसा के वाइब्रेशन से सब कुछ होगा। बाबा ने भी बोला हुआ है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। जब कोई सहारा नहीं रहता है तो मन का मौन धारण कर लिया, अमृत वेले बैठ करके बाबा की शरण में जाकर के अच्छे से याद किया, जो काम किसी तरीके से नहीं हो सकता है वो मन बुद्धि को बाप की शरण में ले जाने से संपन्न होने लगेगा। तो जो काम करना है वो ही काम में जमेला हो रहा है। हाँ जी जैसे ये कंधों में चला तो हम आसमान है तो हमें तो प्रसाद करने का टाइम मिल जाता है। हाँ? लेकिन लौकिक में जो हमारे बच्चे हैं वो छोटे छोटे हैं, जब ये बड़े होंगे तो विनाश का समय आ जाए, इन्हें प्रसाद करने का टाइम कैसे मिलेगा? देखो जब बाबा फोन करते हैं तो छोटे छोटे बच्चे उठाते हैं और उठाने के साथ साथ बाबा की ओम शांति की आवाज आई और बाबा का फोन आया, बाबा का फोन आया, बाबा का फोन आया। और जो बड़े बड़े हैं, कौन बोल रहा है, क्या नाम है, अरे अपना नाम क्यों नहीं बताते? उन्हें आवाज का ही याद नहीं आता है किसकी आवाज है। तो याद बच्चों के दिल में ज्यादा छपती है या बड़ों के दिल में ज्यादा छपती है? बच्चे महात्मा होते हैं, उनकी चिंता न करो, उनमें प्योरिटी की पावर ज्यादा होती है। प्योरिटी ही शक्ति है, उस शक्ति के आधार पर वो आगे निकल जाएंगे और हमारी बुद्धि में विकार भरे हुए हैं, माया घुसी हुई है, 5 विकारों की माया हमारे अंदर है, इसलिए वो माया हमको आगे नहीं बढ़ने देती। चिंता न करो, माताओं को बच्चों को बहुत मोह आता है। बाबा जैसे मुरली में बोला है कि तुम सबको समझ सकते हो लेकिन 5% लोग ऐसे हैं जो तुमको समझ नहीं रही, ये तुम्हारी परीक्षा के लिमिट है। हाँ? तो अपन चाहे कितना कुछ हो सके 95% लोगों को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हाँ करो, 5% को छोड़ दो, 5% जो है वो तो ऐसे है जो
अष्टदेव बनने वाली आत्माएं होंगी ना, उनसे भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो हम तो अष्टदेव बनने वाले हैं ही नहीं। तो 5% की बात छोड़ दो, बाकी 95% तो हमसे संतुष्ट होने चाहिए। तो देखें कि हमारे जीवन में संसर्ग संपर्क संबंध में आने वाली 95% आत्माएं हमसे संतुष्ट हैं, वो भी संतुष्ट नहीं है। और बाबा जी मुरली में कहा गया कि मैं त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, दूसरा ब्रह्मा के मैं जो पार्ट बजाया वो शिव ने बजाया, और शंकर का मैं भी पार्ट बजाने वाली शिव की आत्मा है जो सामना करने का पार्ट बजाती है। तो बाबा जो विष्णु में पार्ट बजाएगी पवित्रता का, उसमें भी शिव की आत्मा मतलब शिव का कुछ वो रहेगा पार्ट, पवित्रता की जो चरम सीमा एवर प्योरिटी है, वो एवर प्योरिटी कोई भी मनुष्य मात्र में है, है? नहीं है। जो पार्वती का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी उसने 63 जन्म लिए होंगे कि नहीं लिए होंगे? लिए होंगे। और 63 जन्मों में भी उसने ऐसी पवित्रता का पार्ट बजाया जो अभी बिचारी प्यार्ट और किसी आत्मा ने नहीं बजाया होगा, है ना? फिर भी एवर प्योर नहीं कहेंगे। जैसे ब्रह्मा के अंदर सहन शक्ति, ये ब्रह्मा का पार्ट था या शिव का पार्ट था, है? अगर कहें ब्रह्मा का ही पार्ट था तो 63 जन्मों में वो सहन शक्ति क्यों नहीं धारण करके दिखाई? तो जैसे ब्रह्मा में सहन शक्ति का पार्ट शिव बजाता है, ऐसे ही शंकर में सामना करने की शक्ति का पार्ट शिव बजाता है, ऐसे ही वैष्णवी देवी में एवर प्योरिटी का पार्ट शिव ही बजाता है। कन्या है तो क्या हुआ? कन्या पवित्र नहीं होनी चाहिए? पवित्र कन्या ही तो होती है। बाबा ने कहा ना मैं कन्या में सवारी नहीं करता। हाँ, सवारी करने की बात कहाँ आई, यहाँ तो पार्ट बजाने की बात है। तो पार्ट बजाएंगे तो प्रवेश तो करेंगे ना, प्रवेश तो ये कोई बात हुई? हमारी पढ़ाई की जब संपन्नता होगी, हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है? पवित्रता। हमारी पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य है प्योरिटी। तो वो एवर प्योरिटी को धारण करने की जो शक्ति है, जो पूरी श्रीमत पर चलेगा उसी में आएगी या किसी दूसरे में आएगी? तो वो पार्वती ही का पार्ट है जो एवर प्योरिटी को धारण करता है। यही शक्ति है, शक्ति स्वरूपिणी है, नहीं तो अशक्त हो जाती है आत्मा। बाबा घर के जो खाना आना नहीं बना, खाना बना जगह अलग नहीं बना, और जो लोग लड़का है वे कह के यही खाना खा तो कहते अलग अलग खाना नहीं बना देते, अपने हाथ से नहीं बना, जो बना रखा वही था। लेकिन मुरली में तो बोला है कि आपने हाथ से बना। वो तो कहते हैं, वो अकेले नहीं कहते, दुनिया भी कुछ न कुछ कहती रहती है। बनाते हैं तो बेधन बना। सुनो तो, वो अकेले कुछ कहते रहते हैं कि सारी दुनिया ही हमसे कुछ कहती रहती है? सारी दुनिया हमसे कुछ न कुछ अपोजिशन में कहती रहती है, तो हम उनकी बातें मान लें ये जरूरी है? बाबा ने तो कहा लौकिक संबंधियों से न कुछ पूछना है और न उनकी मत पर चलना। वो कहें कि गोश्त खाओ, मछली खाओ, अंडा खाओ, शराब पियो, तो हम पियेंगे? बाबा,
से कोई भी सेवा करते हैं वो पूरा वो हम अपने से अंकुश नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरा जानबूझ के उससे कमेंटबाजी कर रहा है और पाँव पकड़ के खींच रहा है, मतलब तो उससे क्या वहाँ से किनारा कर लेना चाहिए या उसको जवाब देना चाहिए कैसा है? किससे किससे लड़ाई लड़ेंगे बाबा? अगर फीलिंग तो फूट फ्लू की बीमारी बताई, फीलिंग देवान नहीं है, बिना देवान के फीलिंग आती है कहीं? ये ऐसे कहता है, वो वैसे कहता है, वो वैसे कहता है, ये गाली देता है, ये ग्लानी करता है, अरे हमको चिपक जाती है क्या? तो देवान है तभी तो चिपक रही है। हाँ जी, अपना काम करते रहो। मंदिर में पैदल नगास है, पैदल चलो मंदिर, पैदल यात्रा करो। कौन कहते हैं? योगवाद मनना है, भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग कहते हैं पैदल यात्रा करो। हाँ, तो मंदिर चलो पैदल यात्रा सही रहा। हाँ, तो आप पूछ रही है कि भाई सही है कि मन चले या न चले? ये जो पाँव है ना, पाँव से पैदल यात्रा की जाती है भक्ति मार्ग में, पैदल यात्रा को अच्छी यात्रा समझते हैं। वास्तव में ये पाँव की बात नहीं है, भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें उठा ली है, पाँव से कहीं पहुंचा जाता है, ऐसे ही बुद्धि से भी पहुंचा जाता है। कहते ना, अरे तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंची जहां तक बुद्धि हमारे गुरु जी की पहुंची हुई है। तो ये बुद्धि रूपी पाँव भी है क्या? भगवान के पास बुद्ध रूपी पाँव से चलकर पहुंचेंगे, भगवान से मिलेंगे, भगवान को पहचानेंगे, या इन पाँव से चलकर के पहुंचेंगे? बुद्ध रूपी पाँव से चलकर पहुंचा जाना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो स्थूल बातें उठाई है, इसलिए वो पाँव बता दिया उन्होंने। बाबा, जैसे कहा जाए कि कहते हैं ना सीता अभी कहाँ, रावण के कब्जे में है या राम के, अभी बोल रहे थे सब नंबर वाला सीता है वो, और जो नंबर अपन नंबर के रावण के कब्जे में है। हाँ, तो यहाँ अपन नंबर की सीता कौन है, अपन नंबर का रावण कौन है? सीताएं सब नंबर वार है, बोला तुम सब सीताएं हो, तुम सब सीताएं हो माने सब रावण की जेल में बंधन में हो या कोई छूटा हुआ भी है, है? सब बंधन में। अच्छा, वो सीता शब्द जो है वो सिर्फ माताओं कन्याओं के लिए ही लागू होता है या भाइयों के लिए भी लागू होता है? माता होंगे भाई लोग सब निर्बंधन है, वो विकारों के बंधन में नहीं है, रावण के बंधन में नहीं है, रावण के राज्य में नहीं है, है? तो भाइयों के लिए भी ये बात लागू होती है, माताओं कन्याओं के लिए भी ये बात लागू होती है कि तुम सब सीताएं हो। क्या? तुम सब सीताएं हो, तो रावण के बंधन में बंधी हुई हो, लेकिन जो अव्वल नंबर सीता है वो कौन? अच्छा, फिर अव्वल नंबर राम कौन है? कौन है? हैं? राम बाप एक ही है। अच्छा, शिव ऊपर से आता है, वो निराकार शिव ऊपर से आता है, वो पुरुष है कि स्त्री है? है? आत्मा को पुरुष कहेंगे या स्त्री कहेंगे? पुरुष कहेंगे। तो वो जब ऊपर से आता है और ज्ञान का बीज आकर के किसी में डालता है, तो बीज स्त्री में डाला जाता है या पुरुष में डाला जाता है?
स्त्री में डाला जाता है। तो कौन सा कौन वो आत्मा है इस सृष्टि की जिसमें वो निराकार राम आकर के पहले ज्ञान का बीज डालता है? कौन है? कौन है? दादा लेकर दादा एडवांस ज्ञान ही नहीं लिया है। हाँ, दादा लेखराज के साक्षात्कारों का अर्थ जिसने बताया वो भागीदार, हाँ, उसमें शिव प्रवेश करता है और ज्ञान का बीज उसकी बुद्धि रूपी धरणी में डालता है। तो अव्वल नंबर सीता कौन हुई है? कौन हुई है? तो वही अव्वल नंबर सीता हो गई। तो तुम सब सीताएं हो। जब ब्रह्मा के मुख से मुरली में बोला तुम सब सीताएं हो, तो तुम कह करके जब बाबा बोलते थे ब्रह्मा के तन में, तो राम की आत्मा के लिए तुम नहीं बोलते थे है? उसके लिए भी बोलते थे। तो अव्वल नंबर जो सीता है वो भी रावण की जेल में है कि स्वतंत्र है? है वो भी रावण की जेल में। मुरली में बोला गया है, हाँ, मैंने इस मुखर रथ को बंगाल से लिया है, हाँ, तो बंगाल से लिया गया मुखर रथ देवक राम भाई आत्मा का, हाँ, क्या वो तेरासी जन्म में है या चौरासी में जन्म है? इधर ये भी बोलता है कि हम चौरासी जन्म के अंतिम जन्म में आते हैं, तो वो कौन सा जन्म है, तेरासी में या चौरासी में? बाबा जो बोलते हैं वो सच्चा या झूठा? बाबा जो बोलते हैं वो सच्चा ही बोलते हैं। तो बाबा तो अंतिम 84वें जन्म में आता है या 83वें जन्म में आता है? बहुत जन्मों के अंत में आता है, और बहुत जन्मों का अंत में भी जो वानप्रस्थ स्टेज होती है 60 साल है 84वां जन्म, लेकिन उसके भी कितने साल पूरे हो जाएं? 60 साल। बहुत जन्मों के अंत में वो 60 साल हुए सन 36 में, है ना? और जो 60 साल हुए जिसमें आया उसका नाम क्या पड़ा? जब आते हैं तो नाम बदलते ही नहीं है? हाँ, नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा, नाम पड़ा ना? तो जो नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा की आयु कितनी? नहीं, ब्रह्मा की आयु 100 साल। 100 साल में ब्रह्मा खत्म हो जाता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, बाबा ने भी बताया। तो सन 36 में कितने साल था? 60 साल था। 4-6 साल के बाद शरीर छोड़ दिया, तो क्या 100 साल पूरा हो गया? नहीं। इसलिए मुरली में बोला है मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। तो बहुत जन्मों का अंत हुआ 60 साल सन 36 में, और उसका भी अंत कब हुआ? जब 60 में 40 और जोड़े, कब होते हैं उस 40 साल पूरे? 76। तो 76 में बाप के रूप में बाप ने प्रवेश किया। इसलिए बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में माना 76 में मैं प्रवेश करता हूँ। तो सुनो, पूरी बात अभी हुई नहीं। तो जो 76 है वो 84वां साल भी है, 84वां जन्म भी है, और 76 के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है। क्या? 84वां जन्म भी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म भी है। वो 21वां जन्म भी है 76 से और 84वां जन्म भी है। बाबा जैसे मुरली में बोला है जिस घर में शक्तिगी का पाठ काला हो उसमें शिवालय हो, शिवालय नहीं, शिवालय हो, ये नहीं कहा। जहाँ गीता पाठशाला बनाई जाती है
वो लक्ष्मी नारायण का मंदिर समझ करके चले कि ये हमने लक्ष्मी नारायण का चैतन्य में मंदिर बनाया है, तो जड़ मंदिर बनाते हैं उसमें जड़ मूर्तियां रखते हैं, लेकिन हमने जो गीता पाठशाला मंदिर बनाया है ये चैतन्य मंदिर है। अगर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण ही बैठ अपने बच्चों की शादी बर्बादी करे तो उसे गीता पाठशाला कहेंगे? परिवार बहुत बड़ा है, जैसे बच्चे नहीं मान रहे शादी करनी है तो गीता पाठशाला। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, फॉलो फादर करना है या कोई दूसरा करना है? तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, ब्रह्मा बाबा ने अपने बच्चों को घर से एक दो तीन गेट आउट कर दिया ना, नहीं किया? किया तो हम क्या करें? तो फिर गीता पाठशाला का ढकोसला क्यों करते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर खोल लेगा, किसी और को दे दो। हाँ जी बाबा, नेवाड़ी में कवाओगे? हाँ पिछली बार आए थे तब तो नई वाड़ी नहीं थी, पुरानी वाड़ी थी। अब जब नई वाड़ी बन जाएगी तब आ जाएंगे। बनाओ जल्दी जल्दी नई वाड़ी। हाँ में जो मंदिर बने हैं दिगंबर मंदिर और जी, उन्होंने बनाया नहीं है? जैनी लोगों ने वो मंदिर नहीं बनाया है क्या? हिंदू ने बनाया है। जैनी लोग उनको कहा जाता है जो जिन को फॉलो करते हैं, जैसे ब्रह्मा को फॉलो करने वाले ब्राह्मण, शिव को फॉलो करने शैव, विष्णु को फॉलो करने वाले वैष्णव, एक मात्रा बड़ी ना फॉलो करने में, ऐसे ही जिन, जिन माना जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, उनका नाम पड़ा जिन, और उन जिन को जिन्होंने फॉलो किया वो हुए जैन। तो जैन देवता है, असली जैन कौन है? देवताएं ही असली जैन है, वो तो उन्होंने झूठा नाम रख लिया है जैन धर्म। वो जिन को फॉलो करते हैं क्या? इंद्रियों के ऊपर जीत पहनते हैं क्या? नहीं, इंद्रियों पर कोई ऊपर जीत पहनने का पुरुषार्थ कौन कर रहे हैं? है जो ब्राह्मण है, जो देवता बनने वाले हैं, वो इंद्रियों पर जीत पहनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन उन जैनियों ने तो वो पत्थर ईंट पत्थर का स्थूल मंदिर बनाया। आप स्थूल मंदिर बनाएंगे या आपकी यादगार जो दिलवाड़ा मंदिर स्थूल बना हुआ है ईंट पत्थर का, आप वहीं बैठ के तपस्या करके चैतन्य मंदिर बनाएंगे? तो आप जब चैतन्य मंदिर बनाएंगे जहाँ सब तपस्या में आत्मिक स्थिति में बैठे हुए होंगे, निराकारी स्टेज में बैठे हुए होंगे, उस समय आपको सच्चा जैन कहेंगे। बाबा सनातन धर्म और जैन धर्म एक ही धर्म है? बिल्कुल, इसलिए तो झाड़ में जैन धर्म अलग से नहीं दिखाया गया। झाड़ में बौद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म कहीं है? है ही नहीं। सनातन धर्म से जैन धर्म बना, वो जैन धर्म उन्होंने आर्टिफिशियल लगा लिया, हिंदुओं के शास्त्रों की नकल कर ली बाद में। हिंदुओं में 24 अवतार तो उन्होंने 24 तीर्थंकर दिखाई दिए, हिंदुओं में आदिदेव को नंगा दिखाया गया शंकर जी को, तो उन्होंने भी तीर्थंकर को नंगा दिखाई दिया। हिंदुओं में त्रिमूर्ति में दो देवताएं हैं, एक कपड़े पहना हुआ और एक निर्वस्त्र शंकर जी, तो ऐसे ही उन्होंने दो प्रकार के मंदिर बना दिए।
एक बेसिक वाले ब्रह्मा कुमार जो कपड़े पहने हुए, और एक है वो जो निराकारी स्टेज धारण करते हैं याद में, शरीर रूपी वस्त्र को भूल गए, उतार दिया। उन दिगंबर जो मंदिर होते हैं दिगंबरों के, वो ऊंची स्टेज में होते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी दो मंदिर हैं, एक नीचे है वो सफेद मूर्तियों वाला है, बका बक लका लक सफेद कपड़े पहनते हैं, और एक काली मूर्तियों वाला है जो देखने में तो काले दिखाई पड़ रहे हैं। क्या देखने में काले दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उनकी आत्मा निराकारी स्टेज वाली है, इसलिए वो ऊंची स्टेज में बैठे हुए हैं। तो वो सब हमारी यादगार है, वो मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, टिकाने, ये तो सब भक्ति मार्ग में बनाए। हाँ सपने में सीधे याद है, डर लगा। सपने में क्या होता है सपने याद, डर लगता। अच्छा, जब उल्टे सीधे काम करते हैं तब डर नहीं लगता है। देखो स्वप्न, स्वप्न और संकल्पों का हिसाब किताब है। सारे दिन में जैसे जैसे संकल्प करते रहेंगे रात में वैसे ही सपने आएंगे। श्रेय सर्जन में जैसे जैसे हमने गंदे काम किए हैं, हम अभी ब्राह्मण बनने के बावजूद भी अगर हम चाहें कि हमको अच्छे सपने आए तो रील में तो 63 जन्म के घूमेंगे, अच्छे सपने कहाँ से आ जाएंगे। जागृत है तो बुरे संकल्प आएंगे, बुरे संकल्पों की रील घूमेगी। सोते हैं तो बुरे सपने आएंगे, अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे संकल्प आएंगे जागृत अवस्था में, और सो गए तो अच्छे भूत पदी से बड़े बड़े राजा महाराजा के घर जाकर चले गए तो जैसे जो तुमको आता है वो सबको आता है क्या? नहीं आता ना, तो तुमने जैसे कर्म किए ऐसा तुमको आता है, पीछे पड़ा हुआ है। जिन्होंने जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसे स्वप्न और संकल्प ब्राह्मणों की रील में घूमते रहते हैं। उनसे छूटने का तरीका है बाबा की याद, वो बार बार आए और हम बार बार बाबा की याद में रहकर उनको भगाएं। बाबा जी समझाया आपने कि जैसे 36 में आयु 60 साल की और ब्रह्मा की जो है 100 साल आयु है, अभी जो समझाया आपने तो 36 में आए और फिर 3-4 साल के बाद स्कूल में भूल जाने, तो बाबा इससे प्रश्न ये उठा देते हैं कि आत्मा की तो कोई आयु होती नहीं, तो फिर वो कैसे? आत्मा की आयु नहीं होती लेकिन पार्थ की तो आयु होती है, जो शास्त्रों में गाय ने प्रजापिता ब्रह्मा या ब्रह्मा, ब्रह्मा शरीर से होता है कि आत्मा होता है? आत्मा तो सिर्फ एक ही है जिसकी आत्मा का नाम शिव है, बाकी जितने भी आत्माएं हैं उनके शरीर का नाम पड़ता है कि आत्मा का नाम पड़ता है? फिर ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा ये आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? शरीर का नाम है। हाँ जी, हाँ ये गीत किसने गाया, ब्रह्मा कुमारों ने या प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों ने? गीत ब्रह्मा कुमार गाते हैं या प्रजापिता ब्रह्मा कुमार गाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारों ने तो गुरली से वो वाक्य निकाल लिया,
जिसमें बाबा ने बोला है न गीत गाना है न गीत सुनना है। नहीं तो दुनिया वाले कहेंगे अरे ये कैसा पिनासेन का सामने खड़ा हुआ है, गीत गा रहे हैं, ढोल बजी आ रहे हैं, नाच गाना कर रहे हैं, उनका विनाश होने वाला है दुनिया का, विश्वास ही नहीं करेंगे। तो उनकी एक्ट और कथनी और करनी एक साबित नहीं होती है। इसलिए वो गीत गाने वाले जिन्होंने ये गीत गाए हैं, गीत गाते हैं ना, जिन्होंने ये गीत गाए हैं वो सिर्फ शांति पाते हैं, एक ही वरदान पाते हैं, क्या मुक्ति धाम जाएंगे, लेकिन जीते जी इस शरीर से जीवन मुक्ति में नहीं आएंगे, इसलिए एक नया वरदान मिला। तो गाते भी ऐसा ही है भक्ति मार्ग में, जो राम राम के साथ तीन भाई हैं लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, तो उनकी बहुत महिमा है, और कृष्ण के भी जो चार वो मित्र दिखाए हैं सुदामा अमनसुखा, और अभी हमको पता चला जो आदि में जो तीन आत्माएं थी जिन्होंने बाबा का साथ दिया था आदि में, तो उनका गायन है वो उनके लिए, तो बाबा उन्होंने तो बाबा को धोखा दिया, तो फिर उनका इतना महान रूप में जो गायन है कि लक्ष्मण ने जो साथ दिया तो क्या वो जंगल में कांटों के जंगल में साथ रहा नहीं है? वो तो फिर भी साथ रहता है संकल्पों से, लेकिन संकल्पों से विरोध करने वाले दो हैं, एक इस्लाम धर्म और एक क्रिश्चियन धर्म। ये चार मुख्य धर्म हैं, चार मुख्य धर्म में से दो हैं राइटियस अच्छे संकल्प करने वाले, सनातन धर्म और बौद्ध धर्म, और दो हैं लेफ्टिस्ट उल्टा संकल्प चलाने वाले, इस्लामी और क्रिश्चियन। तो उन चारों के चार प्रकार के बीज हैं। तो भरत का भी तो दिखाया कि मैंने राज करके स्वीकार नहीं करी, और मतलब वो राजमहल में ही बन के समान गए। हाँ, तो अभी भी वो आत्मा ऐसा ही पार्ट बजा रही होगी, कांटों के जंगल में ही रही पड़ी होगी, तपस्या कर रही होगी, तपस्वी होगी, कोई मान मर्तबा स्वीकार नहीं कर रही। विरोधी क्या विरोधी भी है वो। झाड़ के चित्र में भारत की तरफ मुंह करके एक ही दिखाया गया है, वो कौन है? इब्राहिम। वो अनजाने में विरोधी साबित होता है, जब जान जाएगा तो विरोधी नहीं रहेगा, वो तो भीष्म पितामह का पार्ट है, जन्म से ही पवित्र है, बाल ब्रह्मचारी है, बाकी जो दो हैं वो तो शादी बर्बादी करके बैठ जाते हैं, दुनिया के सुख भोगते हैं, इसलिए वो तो विरोधी है। ज्ञान में आकर के बाबा ने बोला शादी बर्बादी, और कोई ज्ञान में आने के बावजूद भी शादी करके बैठ जाए तो भगवान की ग्लानी कराने वाला दुश्मन हुआ या दोस्त हुआ? दुश्मन हो गया। भरत का पार्ट बजाने वाली आत्मा ने तो आल बाल ब्रह्मचारी का पार्ट बजाया। हाँ, सूरज निकलने से पहले अमृत मिला, सूरज निकलने से पहले लाल 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 रोशनी निकलती है सूरज से पहले, उसे कहते हैं उषा। वो रोशनी भी ना निकलने पाए तब कहेंगे अमृत वेला। करो 4 बजे से करोगे तो भी, तो 4 बजे थोड़ी सूरज निकल आता है। अरे एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद नहीं, ऐसा नहीं है,
सूरज के साथ जो लाल लाल ऊषा निकलती है, आभा निकलती है, वो आभा निकलने के बाद अमृत वेला खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, 4 बजे करो, 4:15 बजे करो, कुछ तो करो। ज्यादा पैसा कमाओगे तो थकोगे, सूखी रोटी से काम चला लोगे तो आधा किलो आटे में काम चल जाएगा। और साथ करने के लिए क्या चाहिए आदमी को? पाव भर आटा, पाव भर आटे की रोटी बना के नमक डाल के रोज खाते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे कि नहीं? दुनिया में कोई लोग ऐसे हैं जो जिंदा रह रहे हैं? वो जिंदा रह सकते हैं तो हम भी जिंदा रह लेंगे। बाकी बाकी और ढेर सारा चाहिए तो फिर काय के लिए इतनी मेहनत करते हो? चलो जैसा भी आटा में ऐसे बताया कि शंकर बैल पर 24 घंटा सवारी नहीं करता। शंकर के लिए थोड़ा ही बताया, ऐसे ही बताया। मतलब तो सुप्रीम सोल तो मतलब 24 घंटा सवारी नहीं करता, तो सुप्रीम सोल कहाँ जाता? परम सुप्रीम सोल तो बैल पर सवारी करता ही नहीं। सुप्रीम सोल जो है इतनी ऊंची आत्मा जिसे सुप्रीम सोल कहा जाता है, धर्म पिताओं में भी बापों का भी बाप, वो तो सबसे ऊंचे है। जो सबसे ऊंचे है वो ऊंच में प्रवेश करेगा या जानवरों में कीड़े मकोड़ों में प्रवेश करेगा? है 24 घंटा सवारी करता। हम जो पूछे उसका जवाब दो। जो ऊंच से ऊंचे है वो जानवरों में प्रवेश करेगा, जानवर बुद्धि में प्रवेश करेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाली मनुष्य बुद्धि में प्रवेश करेगा? तो वो मनुष्य में प्रवेश करता है। हाँ, मुंडी में बोला है अभी कलयुग में तुम जो कर्म करते हैं वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। इधर आओ, तुम्हारा चेहरा सामने आए। हाँ हाँ जी, मुंडी में बोला है। हाँ, अभी कलयुग में तुम जो कर्म करते हो वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। अकर्म नहीं करते, विकर्म बन जाते हैं। गलत कलयुग में जो भी हम कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं, विपरीत कर्म बन जाते हैं, क्योंकि माया का पसारा सबकी बुद्धि में है, इसलिए विपरीत कर्म कराई देती है। और सत्युग में जो कर्म करेंगे वो सब आत्म की स्थिति में रह करके करेंगे, इसलिए कोई असर नहीं होगा। बाबा, बांदा की मुरली में बताया कि विलास के समय हिमालय पर्वत बचेगा, सब मिल जाएगा, और राहु पर्वत पे जमीन खरीदी जा रही है। वो तो पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए ठिकाना चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। तो फिर जो आप पुरुषार्थ करेंगे, बाबा के बच्चे आकर के इकट्ठे होंगे, जो शुरुआत से ही तपस्या भूमि बनी हुई है, जहाँ का वायुमंडल बना हुआ है, वहाँ एटम बमों का उतना असर नहीं होगा। और वो पहाड़ तपस्या भूमि का एक ऐसा कल्प कल्पांतर का स्थान है जहाँ भूकंपों का उतना असर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सारा पहाड़ ग्रेनाइट के एक ही पत्थर का बना हुआ है। तो मुझे में तो जो बोला गया हिमालय पर्वत अलग है, अलग दिशा में, और ऊपर पर्वत अलग दिशा में है। हिमालय पर्वत जो है वहाँ स्वर्ग स्थापन होगा, ऐसा किसी मुरली में बोला नहीं? ये तो तुमने अपनी मनमत बना ली। बाबा ने तो बोला है कि जमुना के कंठे पर नई दुनिया बनेगी, तो जमुना का कंठा कहाँ और हिमालय पहाड़ कहाँ? कलयुग में फलराठी जमीन, फलराठी जमीन खाद डालते हैं ना, यूरिया डालते हैं ना, तो यूरिया डालते 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 जमीन कलराठी हो जाती है। यूरिया, यूरिन कहते हैं पेशाब को, कहते हैं ना मूत की औलाद। तो मूत डालते 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 ये धरणी जो है, धरणी है ना, बेहद में कौन है, कन्या माताएं क्या है, धरणी है,
त्रेसर जन्म से वो यूरिया डाली जा रही है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी या अच्छी बन जाएगी? कलराठी जमीन हो गई है, ये बुद्ध रूपी धरणी कलराठी हो गई है। तो गलत क्या करा? कलराठी का मतलब उसमें फिर कुछ पैदाइश अच्छी नहीं हो पाती, बढ़िया पैदाइश नहीं होती है। हाँ, जैसे आप बोलते हैं कि जुगल की कमाई में तो आ रहे हैं इसका लगता है, अब जैसे लड़का कमाते हैं और लड़का भी मांगना पड़ता, देते रहते हैं आपसे भी मांगना पड़ता है, तो बाबा ने तो कहा मांगने से मरना वाला, मरना पूछते हो कि मांगे कि ना मांगे? क्यों मांगो जब तुम्हारा पति की कमाई में आधा हिस्सा हक है? जब पति नहीं है तो कौन देगा? पति नहीं है, पति नहीं है तो तुम्हारा पतियों का पति नहीं आया हुआ है? झूठ कितना बोलती है? जब पति नहीं है तो तुम्हारा पति कौन बन गया ज्ञान में आने के बाद? यही पूछ रहे हैं कि हम पूछ क्यों रही हो? है तो रहे नहीं, अपना चले जाए अपने बाप में। तुम मना कौन करता है? तुम्हारा मोह तुमको मना करता है? तुम धमकी क्यों देती है उनको? धमकी तुम इसलिए देते हो कि डर जाए फिर हमको रखे? नहीं ना, तो ऐसे चले जाए, सप्ताह से चले जाए, अरे कुछ तो देंगे कि नहीं देंगे ये तो मोह रहे। तुम्हारा हिस्सा है तो तुम ले लो, मना कौन करेगा? बाबा मुझे बोला है कि ये ज्ञान में चलेगा तो सारा परिवार निकलेगा। हाँ? तो कोई घर के निकलने आश्रम में जा तो वहाँ मतलब धमचक मचा देते हैं, तो मुंडी सुनते नहीं है, ज्ञान कुछ सुनते नहीं है, तो कोई बात नहीं आगे चल के चल पड़ेंगे। तो जब बाबा गाड़ी ये चलेगी ट्रेन तो फिर कैसे समझो? वो ट्रेन तभी चलेगी जब तुम्हारे परिवार के सब ज्ञान निकलने लगेगा। जंजीर तान देंगे ना तो सब लोग जंजीर अभी से खींचना शुरू कर दे ना। अभी तो आश्रम दम तक मोटा आने नहीं दे। अब तुम्हारे बुद्ध रूपी हाथ में चैन नहीं है? चैन खींचो हेलो भागीदार रह रहा है, कितने वर्ष में बनाया बहनोई? कितने वर्ष माने 10 साल? इससे कोई ये कनेक्शन लगता है कि 10 साल पहले ही बहनोई बनाया होगा? 10 साल से रहने वाला का मतलब है बाबा के पास दुकान में 10 साल से नौकर बन के रहने वाला। बहनोई की तो बात ही नहीं यहाँ आई। हाँ पीनी मैंने आई थी करके बाकी माना जब विनाश होगा तब इतना भी टाइम नहीं बचेगा, अचानक ऐसे होगा कि जो प्यारे हैं जो स्नेही है उनकी भाखी भी पहन सके, इतना भी टाइम नहीं मिलेगा। जो राधा बच्ची होगी जिसको राधा बच्ची नाम दिया गया है वो अंतिम जन्म में विष्णु रूप बन के रही होगी या अलग अलग होकर के रही होगी संस्कारों में? है जो आदि में तो अंत में, सृष्टि के आदि में विष्णु, तो अंतिम जन्म में भी जब अंत आएगा तो किस रूप में होगी? विष्णु रूप में होगी। तो जो नारायण वाली आत्मा है वो नारायण है और राधा वाली आत्मा है नारायणी, दोनों स्त्री पुरुष हो गए। माना बहनोई और बहन हो गई,
और बाबा जैसे बेसन वाले बच्चों को ज्ञान सुनाओगे और या बहनों को मालूम चल जाए जो वहाँ समर्पण है लड़ने के लिए तैयार हो जाए तो आप भद्रण हो बहुत अल्लाह अल्लाह गुल्ला करने लगती तो अपने मुँह से करते ना अल्लाह गुल्ला आप तो मुझे तो नहीं करते अच्छा ही लगता है घर पे आके घर पे आके लड़ाई दंगा करे आपके घर पे आके और पहले उनसे कहो भाई बहन बहुत अच्छी है बहुत अच्छी हो चलो अपोजिट बोलो भूल नहीं सकती अभी तुम कह रहे थे बहन बहुत अच्छी है और वो तुम्हारे घर में क्या बात है उनको डूबी जा का मिसाल दो जब डूबी जा नहीं करते हैं भक्ति मार्ग में तो देवियां देवियां हैं भगवती हैं भगवान हैं उनकी बहुत पूजा करते हैं मंदिर बनाते हैं उनको सजाते हैं सोना पहनाते हैं भक्ति मार्ग में करते हैं कि नहीं और जब पता चल जाता है कि भगवान आया हुआ है भगवान सच्चा है और ये देवियां झूठी हैं तो उनको ले जाके डुबो देते दो ही कर रहे हैं बहन जी हमको दूसरा नहीं कर रहे बाबा हमारे घर में एक लड़का है वो नहीं मानता है तो बहुत बुरा कर्म करा सब चीज बनाता है खाता है हम लोग परेशान है उसकी क्यों परेशान है तुम आत्मा हो कौन हो आत्मा है तुम आत्मा हो है तुम आत्मा हो और तुम्हारा लड़का भी आत्मा है कि नहीं घर में अच्छा तुम कौन हो आत्मा हो तुम्हारा लड़का आत्मा है कि नहीं किसका बच्चा है वो चाहते तुम क्या चिंता बाबा तीन पग जमीन का हो क्या हो गया तीन पग जमीन मांगते तो क्या है आप कितने पग जमीन में बैठे हुए हैं आप जो बैठे हुए कितने पग पर बैठे हुए तीन पग पर तो क्या हुआ अच्छा तो वो ही आखिरी में तीन पग जमीन मिल जाना जब वो बता दिया अव्यक्तवाणी में बता दिया कि पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़ेगा क्या सोफा सेट नहीं मिलेगा लेटने के लिए तकिया गुदगुदा नहीं मिलेगा कहाँ बैठना पड़ेगा पहाड़ को पीठ कुर्सी बना के बैठना पड़ेगा तो तीन पैर पृथ्वी नहीं होगी फिर क्या बात माया दावर की बेटी है तो उसका पति बताए हाँ अरे बोलो मत भाई हाँ हाँ किसमें हाँ तो यहाँ शूटिंग की बात है ना वहाँ जो गोला दिखाया गया है सड़क का गोला वो कंप्लीट स्थापना दिखाई गई है लेकिन जो सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है ऊपर उसमें एक शक्ति कम है क्या जो शक्ति कम है वो जैसे कि क्रिश्चियन धर्म की गहनी नहीं है क्या उनके मंदिर का नाम होता है गिरजाघर क्या नाम होता है गिरजाघर तो वो गिरजाघर वास्तव में उनकी गृहिणी नहीं है घर माने गृहिणी ये ईंट का मकान गृहिणी नहीं होता है कौन होता है गृहिणी स्त्री ही गृहिणी होती है तो जो क्रिश्चियन धर्म है वो कोई को अपनी गृहिणी नहीं मानता क्या घर में बुद्धि रहनी चाहिए ना तो बुद्धि उनकी टिकती नहीं है एक में इसलिए वो एक लोप हो जाती है क्यों लोप हो जाती है क्योंकि जब संगम युग में भगवान आते हैं तो जो क्रिश्चियन धर्म की बीज रूप आत्मा है वो भगवान का इतना अपोजिशन करती है कि संकल्पों के अंदर भी ये बात चलती रहती है हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा तो जो भगवान के लिए ऐसे सोचेगा उसका अपना घर गिर जाएगा या बचा रहेगा तो सीढ़ी में वो गृहिणी है ही नहीं भक्ति मार्ग में गिरजाघर बन जाता है
ये सब तो आज के युग में है, फिर जैसे और जगह जैसे दिखाते हैं कोई दरबार वगैरह लगते हैं उसकी मान में गिरती हो जाती है या ऐसे देखा बाबा भूत कौन होते हैं जो भूत प्रेत, वो भूत प्रेत अपने को देवी देवता बताते हैं कुछ बातें तो मतलब जान जाते हैं तो उन्हें मानो कैसे कहते ऐसे लोग जब उनके सामने गिनती करने के लिए बैठते हैं तो बता देते हैं तुम्हारी ये परेशानी ये परेशानी। सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है कि इसे स्थूल शरीर में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म हो जाता है, स्थूल शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है इसलिए उसमें ज्यादा ताकत होती है। सड़कों पर मजमा लगाने वाले कोई कोई जादूगर आते हैं, मजमा लगाते हैं किसी आदमी को सुना देते हैं, मजमा लगा हुआ है किसी आदमी से पूछा तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं, तुम गिनो मत, हम इस आदमी से बतवाते हैं, उसमें भूत प्रेत प्रवेश करा दिया जो नीचे पड़ा हुआ है सोया हुआ है, उसे पूछा बताओ उस आदमी की जेब में कितने कितने नोट हैं कितने पैसे हैं, वो एक्यूरेट बता देता है, ऐसे बता देता है, उसकी बुद्धि सूक्ष्म है ना, वो स्थूल शरीर के बंधन में तो है नहीं इसलिए वो वहां का वहीं बता देता है। वो कहते हैं हम ठीक कर देंगे क्या ठीक भी कर सकते हैं, ज्यादा पावरफुल आत्मा होगी उसके कंट्रोल में तो ठीक करेगी, कमजोर आत्मा होगी तो ठीक नहीं कर पाएगी, और हमें तो पावरफुल से पावरफुल मिला हुआ है, कौन मिला हुआ भूत मिला हुआ है कि भूतनाथ मिला हुआ है। हाँ बारह शिव बारह में प्रवेश करता है या 108 रुद्रमाला के सभी मणकों में प्रवेश करता है? रुद्रमाला में कितने मणके होते हैं? 108 108 जो रुद्राक्ष मणके होते हैं उनमें मुख बने होते हैं, वो मुख लेने की यादगार हैं। कोई में एक मुख, कोई में चार मुख, कोई में 10 मुख, कोई में 14 मुख, माना उन्होंने इतने इतने मुंह से बातें की हैं, माना इतने प्रकार की आत्माएं उनमें प्रवेश करती हैं, किन में? जिनमें शिव प्रवेश करता है, उन रुद्रमाला के मणकों में शिव भी प्रवेश करता है सत्व प्रधान स्टेज में, बाद में कुत्ते बिल्ले भी प्रवेश करते हैं उन्हीं रुद्रमाला के मणकों में। 14 प्रकार की आत्माएं प्रवेश करती हैं, उनकी यादगार 14 मुखी, एक मुखी मिलता ही नहीं कहीं, वो एक ही है जिसमें शिव ही प्रवेश करता है, बाप दादा ही प्रवेश करते हैं, कोई दूसरा प्रवेश नहीं कर सकता। बाबा जो भी आपने भरत का बताया कि भरत भी वनवास में है, वनवास में रहता है, तो वो तो इस्लाम धर्म की आत्मा होगी तो, और लक्ष्मण वाली बाबा बुद्ध धर्म की, और तो बताया कि वो शादी कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म, लक्ष्मण भी तो बाबा जंगल में गए थे। हाँ जंगल में गए लेकिन शादी शुदा थे, उनकी मर गई होगी, शादी तो कर ली अपनी मनमानी तो कर ली, घोड़ी पे तो चढ़ बैठे, फिर बाद में मर गई, अगर कुएं में कूद के गिर गई तो कांटों के जंगल में आ गए कि नहीं आ गए? और बाबा बीच वाले गाते हैं तो मुरली लाल तो नीचे आ चुका है, मुरली लाल तो नीचे आ चुका है, आ चुका है हाँ। मुरलीधर हाँ। मुरलीधर ही तो नहीं आप मुरलीधर कहें कि उनसे पूछो, मुरली उनसे पूछो, उनसे पूछो मुरलीधर आ चुका है कि मुरलीधर ही आ चुकी है, पूछो तो उनसे गाके क्यों बुलाते, जानते हुए क्यों बुलाते, क्या जानते हुए भी कि आ चुके हैं तो फिर क्यों बुलाते हैं? हाँ उनसे पूछो बुलाते क्यों अगर आ चुके हैं तो। स्त्री चोले में आते हैं ना बाबा, हाँ
जो भक्ति मार्ग में कम जन गाय दिखाई है उसमें सब देवताओं के कैसे क्यों दिखाई है? कामधेनु जो गाय दिखाई है वो गाय किस बात की निशानी है? गाय क्यों दिखाया है? भैंस क्यों नहीं दिखा दिया? भैंस की बुद्धि ज्यादा तीखी होती है या गाय ज्यादा सात्विक बुद्धि होती है? गाय की सात्विक बुद्धि होती है। जो भैंस बुद्धि है वो थोड़ी पहचानेंगे भगवान को। वो जो गाय है जो कामधेनु के रूप में दिखाई जाती है वो भगवान को पहचान लेती है और पहचानने के कारण वो जगदम्बा के रूप में प्रत्यक्ष होती है संसार में। जब सारे जगत की अम्बा है तो 33 करोड़ देवताओं की अम्बा नहीं है तो उसके बुद्ध रूपी पेट में वो 33 करोड़ देवताएं नहीं होने चाहिए? तो दिखाए गए तो क्या बुरा कि दिखाया गया, अच्छी बात है।